दोस्तों, आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो क्लिप है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो शेयर कर रही हूँ। न्यूज़ चैनल्स इस इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट एक्सटेंशन में आगे आ रहे हैं और किस तरह से टैक्स पेयर की समस्याओं को सरकार के सामने ला रहे हैं, वो सभी हम इसमें देखेंगे। आई एम श्योर आप सभी इससे सहमत होंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को बाहर लाना कि क्यों आईटीआर डेडलाइन एक्सटेंशन ज़रूरी थी। आईटीआर डेडलाइन एक्सटेंशन तो दोस्तों ज़रूरी ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक स्मूथ इनकम टैक्स पोर्टल दिया जाए जिसमें कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्या परेशानियाँ हैं, प्रोफेशनल्स ने क्या परेशानियाँ यहाँ पे दिखाई हैं, आईसीआई की तरफ से जो आया है। परेशानियों का सबब बना हुआ है। इसकी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल में लोगों की अभी भी समस्याएं आ रही हैं। इस वजह से देश के कई हिस्सों से इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है। जैसे जैसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है, छोटे बड़े शहरों से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसे आगे बढ़ाने की मांग करने लगे हैं और इसके पीछे असली वजह है नया इनकम टैक्स पोर्टल। जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से आज की डेट में मुझे लगता है कि ज्यादा इस बात की डिमांड हो रही है कि डेट बढ़नी चाहिए, वो है इनकम टैक्स का पोर्टल। हमने समय बताया है कि जब पोर्टल नया जो जो चालू हो रहा था उस पर काफी दिक्कतें आई और लगभग 4 महीने तक जैसे मान के चलो अक्टूबर तक ये पोर्टल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों की डिमांड है कि ये बढ़नी चाहिए। जब हमने अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की तो सबसे आम समस्या ये थी कि अगर आप किसी टैक्स पेयर्स का पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो नई आईडी बनाने में ओटीपी कई बार नहीं आता है। AIS यानी एनुअल इनकम स्टेटमेंट के आंकड़े में काफी अंतर होता है, इसे देखने में भी दिक्कत हो रही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी कर दिया तो भी परेशानी खत्म नहीं होती। जैसे तैसे करके हम उसकी रिटर्न सबमिट कर देते हैं एक क्लाइंट की, तो उसका जो है आधार ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसे अपनी जो रिटर्न है बिना ही वेरिफिकेशन के सबमिट करनी पड़ रही है। और रिटर्न सबमिट होने के बाद में भी उसका एक्नॉलेजमेंट बहुत सारे केसेस में डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिस कारण वो अपना जो आईटीआर है वहां पे यूज नहीं कर पा रहा है। आईटीआर डाउनलोड होने के बाद में अगर कई सारे केसेस में जहां पे रिफंड उनका जो ड्यू हो रहा है तो बैंक वैलिडेशन के कारण उनका रिफंड भी नहीं आ पा रहा है, मतलब उनका जो बैंक अकाउंट वैलिडेशन है वो 7 दिन से 15 दिन से 1 महीने से पेंडिंग में दिखा रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट ही वैलिडेट नहीं है तो हम आपको रिफंड नहीं दे सकते हैं। इसके साथ में ही ओमिक्रॉन के चलते भी, लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी है इनकम टैक्स पोर्टल का बार बार हैंग करना। समस्या है इनकम टैक्स पोर्टल के हैंग हो जाने का। जब आप अपना रिटर्न अपलोड करने जाएंगे तो हो सकता है कि पोर्टल हैंग हो जाए।